देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बागली के ग्राम कमाट के जंगल में मुखबिर की सूचना पर जंगल में स्थित नालों में संचालित कच्ची शराब की भट्टियों पर दबिश दी गई, जहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई, साथ ही भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। आबकारी अधिकारी प्रेम यादव के अनुसार कार्यवाही में महुआ लहान व शराब बरामद हुई, वहीं आरोपी मौके से भाग निकले। कार्यवाही में 100 लीटर हाथ भट्टी शराब तथा 2500 किलोग्राम महुआ लहान बरामद हुआ। लहान को मौके पर ही सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 6 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 2,70,000 रुपए है। वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, उसी परिप्रेक्ष्य में आबकारी द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में दिनांक 8 तारीख को बागली क्षेत्र के कामट ग्राम में मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंगल में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। उसी के आधार पर देवास जिले की संयुक्त टीम द्वारा कलेक्टर महोदय एवं सहायक आबकारी महोदय के निर्देशन में दबिश दी गई, जिसमें जंगल होने के कारण जो शराब निर्माता जो लोग हैं वो दूर से आबकारी टीम को देखकर फरार हो गए। उसके बाद वहाँ सर्च करने पर कुल 100 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं 2500 किलोग्राम महुआ लहान बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2,70,000 रुपये है। इस प्रकार आबकारी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रेम यादव, आबकारी उप निरीक्षक, बागली। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।